Good morning, students. Today we will start English grammatical topic with noun. Students, anybody knows what is definition of noun? What is noun? First of all, we discuss the definition of the noun. What is noun? Noun is the name of a person. Subsequent definition is taken. So, the noun is the name of person, thing, or place. मतलब कि नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस. पर्सन, थिंग और प्लेस. प्लेस जगह, थिंग कोई वस्तु, पर्सन वो कौन है? गर्ल है, बॉय है, राम है, श्याम है, क्या है वो? इन सब की अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग क्वालिटीज बताता है, वही नाउन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स लेंगे नेम से, जैसे कि राम, टेबल, जोधपुर. अब स्टूडेंट ये कैटेगरीज दे रखी है, श्याम, पेंसिल, जयपुर. अब स्टूडेंट्स ये कैटेगरीज दे रही है आपको अलग, इसके अंदर आपको कैटेगराइज. तो ये किस्मा आया, ये किस्मा आ गया पर्सन में, ये कौन है? राम पर्सन है, श्याम क्या है? पर्सन है. इन सब की कैटेगरीज, अब बाय चांस यहाँ पर लिखा जाएगा बॉय है, गर्ल है, तो ये इसकी कैटेगरीज बता रही है. और ये थिंग है, तो थिंग के अंदर ये कैटेगरीज बता रही है. टेबल है, पेंसिल है, मतलब की हिंदी में कह सकते हैं तो वस्तु है. प्लेस का बता दे तो जोधपुर, जयपुर या दिल्ली ले लेते, तो ये क्या है? दिल्ली भी लेते तो ये क्या है? प्लेस है. प्लेस मतलब जगह है, स्थान है. तो ये क्या सोर्स करता है? नाउन क्या सोर्स करता है? पर्सन, थिंग और प्लेस. समझ में आया? मैंने किसी का नाम ले लिया तो आप बता सकते हो ये पर्सन है. मैंने किसी चीज का नाम ले लिया, चौक, पेंसिल, इरेजर, फैन, कुछ भी नाम ले लिया, वो थिंग में आती है. मैंने किसी जैसे कि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब का नाम ले लिया, जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है? प्लेस है, ये जगह है. तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड नाउन. नाउन की डेफिनेशन याद कर लीजिए स्टूडेंट साथ साथ में, द नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, थिंग और अ प्लेस. तो दिमाग में बैठा लीजिए, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग और प्लेस. ठीक है, उसके बाद में हम इसके नाउन के काइंड्स पे जाते हैं. ये नोटेड नोट कर ले अपने नोटबुक में डेफिनेशन. उसके बाद में हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे. टाइप्स क्या होते हैं नाउन्स के? ठीक है, नाउन्स के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले नाउन्स के जो टाइप्स होते हैं वो टोटल 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं. देयर आर नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स या काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले नाउन आता है कॉमन नाउन. कौन सा आता है? कॉमन नाउन. उसके बाद में नाम आता है आपके प्रॉपर नाउन. उसके बाद में आपके नाम आता है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्टिव नाउन कौन सा आता है? कलेक्टिव नाउन. उसके बाद में आता है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसके बाद में आपके आते हैं मैटरनल नाउन. ठीक है, तो ये क्या है? नाउन्स के टाइप्स हो गए. अब इनको स्टूडेंट्स कैसे पहचान सकते हैं? नाउन्स के तो काइंड होंगे, देयर आर 5 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं. नाउन की डेफिनेशन, उसके बाद में नाउन्स के काइंड्स.
नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? फाइव टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्जेक्ट नाउन और मैटरनल नाउन, ये फाइव टाइप्स के होते हैं। अब सबसे पहले हम डिटेल में इन सबको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इन सबको अलग अलग। सबसे पहले हम लेंगे कॉमन नाउन। सबसे पहले हम हमारा टॉपिक लेते हैं, कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग आएंगे। सबसे पहले कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हमने हेडिंग डाली। अब कॉमन नाउन होता क्या है स्टूडेंट, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कॉमन नाउन किसमें आता है? इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, उसी को हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, रिप्रेजेंट होल क्लास। ये क्या एक रिप्रेजेंट करता है, जैसे पर्सन के अंदर होल क्लास को पूरी कंप्लीट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट होल, रिप्रेजेंट होल कैटेगरी, मतलब कि वो होल कैटेगरी को बताता है या होल क्लास को बताता है, वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि पर्सन। अब जैसे कि पर्सन का हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने पर्सन का। अब पर्सन के अंदर बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे, मास्टर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, पुलिसमैन भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, पर्सन में कोई भी हो सकता है। मतलब कि वो कॉमन नाउन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पूरी क्लास को बताता है, वो पूरी कैटेगरी को बताता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके प्लेस। अब प्लेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, प्लेस के अंदर प्लेस हाउस भी हो सकता है, किसी जगह स्कूल भी हो सकती है, रोड भी हो सकती है, स्ट्रीम भी हो सकती है, रूम भी हो सकता है, रूफ भी हो सकता है। तो ये इसमें रूम है, स्कूल है, पार्क है, ये सारे किसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेस को करेंगे। उसी तरह एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, ठीक है, एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कॉमन नाउन के अंदर, एनिमल की हम बात करें कॉमन नाउन के अंदर, तो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स को कैसे होल रिप्रेजेंट करेगा कॉमन नाउन, तो एनिमल में डॉग है, फॉक्स है, ठीक है, वो कंप्लीट उसको रिप्रेजेंट करेगा कोई ग्रुप को, टाइगर है, काउ है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, सबको कैटेगराइज में करता है। थिंग्स की तरह, अब थिंग्स में क्या वस्तु है, थिंग्स में बुक भी हो सकती है, अब बुक्स बहुत सारी हो सकती है, और कोई भी बुक्स होता है उस पर्टिकुलर नेम नहीं देगा। स्केल है, बैग है, ये सारे अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमने कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, थिंग और प्लेस, वो अपने रिप्रेजेंट किसको करता है, होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं, हमारे कॉमन नाउन हुआ, उसके बाद में सेकेंड हम हमारे प्रॉपर नाउन पे आएंगे। प्रॉपर नाउन नेक्स्ट इज योर प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज योर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन को कैसे डिनोट करते हैं हम, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, इट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर, रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, उस
उसका थिंग एनिमल्स कुछ भी हो, प्लेस पर्सन और एनिमल्स, उसका मतलब कि पर्टिकुलर नेम बताता है। कॉमन नाउन में क्या होता है, उसका ग्रुप बताता है, होल ग्रुप बताता है उसका, ये एनिमल्स है, ये प्लेस है, ये स्कूल है, तो उसका बताता है। इसके अंदर जो पर्टिकुलर बताता है, जैसे पर्सन की बात करें तो पर्सन में ये पूरा उसका कैटेगरी बताएगा कि पर्सन है तो गर्ल है तो गर्ल का नाम क्या है, जैसे कि गर्ल है उस गर्ल का नाम क्या है, जैसे कि गर्ल का नाम सुनो। अब इसके अंदर पर्सन में ये बात करी, प्लेस में बात की तो प्लेस, अब प्लेस की बात उन्होंने की है तो प्लेस जगह भी होगी, जैसे प्लेस उन्होंने बात की है तो प्लेस कहां है, देयर कंट्री, अब कंट्री कौन है, इंडिया है। उसके बाद में उन्होंने कार, तो कार के अंदर कार उन्होंने बात की तो कार की कैटेगरी कौन सी कार है उन्होंने बताइए, तो कार कौन सी है, स्विफ्ट, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि बुक, अब बुक कौन सी है, बुक का नेम भी पता होना चाहिए, बुक कौन सी है, गीता हो गई, ठीक है। तो ये एनिमल, एनिमल में उन्होंने टेलीविजन, टेलीविजन कौन सी कंपनी का है, सैमसंग, वो पर्टिकुलर उसको बताता है। जैसे कि पर्सन उन्होंने तो बनाया था होल बॉडी को कॉमन नाउन के अंदर, और इसके अंदर पर्टिकुलर नेम बताता, प्लेस है तो प्लेस कहां पर है, थिंग है तो कौन सी थिंग है, उस बुक है तो बुक का नाम क्या है, गर्ल है तो गर्ल का नेम क्या है, वो पर्टिकुलर नेम बताता है प्रॉपर नाउन के अंदर। और इसकी वन प्लस पॉइंट है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर से, क्या लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं इसको। उसके बाद में आपको आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप, कलेक्टिव नाउन मतलब उसका कलेक्शन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन थर्ड हमारे डिस्कस कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन के अंदर होता है कि नेम ऑफ ग्रुप, इट इज नेम ऑफ ग्रुप और नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, इसके कलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि आर्मी सोल्जर्स है, आर्मी तो आर्मी है, तो आर्मी के साथ में कौन है, सोल्जर्स है, ठीक है, तो मतलब कि आर्मी मतलब इनकी पूरी टीम है सोल्जर्स की, ठीक है। उसके बाद में बंच ऑफ कीज, कीज मतलब कि कीज का बंच ऑफ कीज, तो क्या लिखेंगे हम, उनका एक कलेक्शन है बंच ऑफ कीज। उसके बाद में बकेट ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि जो बकेट है वो किसका है, फ्लावर, मतलब कि उनके एक साथ में सारे कलेक्शन है उनका। उसके बाद में बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, मतलब की बुक्स है लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ी, तो बुक्स क्या है, बंच है, उनके कलेक्शन है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जो आपको कुछ मैं होमवर्क दूंगा वो होमवर्क भी आपको करना है, और आज हमने डिस्कस किए थ्री नाउन्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टू नाउन्स और मेडिकल और एक्सपर्ट नाउन्स डिस्कस करेंगे, पर आपको जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई वापस में बताते हैं तो डिस्कस कर लेता हूँ। नाउन की डेफिनेशन होती है द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग और एनिमल, ठीक है, प्लेस उसी को हम नाउन कहते हैं। नाउन्स के फाइव टाइम्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एस्पेक्ट नाउन, मैटर्नल नाउन, और हमने कॉमन नाउन की डेफिनेशन, उसके बाद प्रॉपर नाउन हमने डिस्कस किया था, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैटर्नल और एस्पेक्ट नाउन करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर टुडे।